सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया है। इससे इस प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्री समूह या वैकल्पिक तंत्र के पास मंजूरी के लिए रखा जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 के बजट भाषण में इस बारे में घोषणा की गई थी, जिसके बाद नीति आयोग ने अप्रैल में कैबिनेट सचिव की अगुवाई में विनिवेश पर सचिवों के समूह को निजीकरण के लिए कुछ बैंकों के नाम सुझाए थे। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और खबर है कि सरकार ने निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया है। सूत्रों ने बताया कि 24 जून गुरुवार को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं सुपर्णा चौहान, पंजाब की स्ट्रीट।